लाइटवेट ट्रेनिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में आगाह करूंगा। आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी में हम ग्रुप्स बना सकते हैं। ग्रुप्स हम इसलिए बनाते हैं कि बाद में इन ग्रुप्स की बुनियाद पर हम ग्रुप राइट्स कंट्रोल कर सकें। सिक्योरिटी में हम सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ यूज़र्स बना सकते हैं और बाद में इन यूज़र्स को मुख्तलिफ राइट्स डिफाइन कर सकते हैं। सिक्योरिटी के ज़रिए हम यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और सिक्योरिटी के ज़रिए हम ये भी देख सकते हैं कि सिस्टम में किस ग्रुप के किस यूज़र ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। सिक्योरिटी में सबसे पहले हम ग्रुप्स बनाना सीखते हैं। उसके लिए हम सिक्योरिटी में ग्रुप्स सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये ग्रुप डेफिनेशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ग्रुप डेफिनेशन स्क्रीन पर सबसे पहले ये ग्रुप नेम का एरिया है। इस एरिया में हम वो ग्रुप नेम एंटर करेंगे जिस नाम से हमने ग्रुप बनाना है और कमेंट्स के एरिया में अगर हमने इस ग्रुप के मुतालिक कोई कमेंट्स लिखने होंगे तो वो एंटर करेंगे और इस सेव के बटन से सेव कर देंगे तो ये ग्रुप सेव हो जाएगा। हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मज़ीद ग्रुप्स भी बना सकते हैं। अब मैं आपको ग्रुप्स के राइट्स डिफाइन करना सिखाता हूँ। ग्रुप्स के राइट्स डिफाइन करने के लिए हम सिक्योरिटीज़ में ग्रुप राइट्स सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ग्रुप राइट्स की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन की मदद से हम तमाम ग्रुप्स के राइट्स कंट्रोल करते हैं। इस स्क्रीन पर सबसे पहले ये फॉर्म ग्रुप्स का ड्रॉप डाउन है। हमने ग्रुप्स बनाते वक्त जितने भी ग्रुप्स बनाए होंगे वो इस ड्रॉप डाउन में शो हो रहे होंगे। इनमें से हमने जिस ग्रुप के भी राइट्स डिफाइन करने होंगे उस ग्रुप को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये एक्सपैंड ग्रुप्स का बटन है। इस बटन को प्रेस करके हम इन मॉड्यूल्स को मज़ीद ओपन करेंगे। अब हमने इस ग्रुप को जिस मॉड्यूल के भी राइट्स देने होंगे उस मॉड्यूल के रिलेटेड चेक बॉक्स को चेक कर देंगे और जिस मॉड्यूल के राइट्स नहीं देने होंगे उसके चेक बॉक्स को अनचेक ही रहने देंगे। और अगर हमने इस ग्रुप को सॉफ्टवेयर के तमाम राइट्स असाइन करने होंगे तो हम इन चेक बॉक्सेस को अलग-अलग अलग-अलग चेक करने की बजाय इन ऑल के चेक बॉक्सेस को चेक करेंगे। इन चेक बॉक्सेस को चेक करने से रिलेटेड चेक बॉक्सेस ऑटोमेटिक चेक होते जाएंगे। उसके बाद हम इस सेव के बटन की मदद से सेव कर देंगे तो ये राइट्स इस ग्रुप के लिए सेव हो जाएंगे। इसी तरह हम किसी भी ग्रुप के राइट्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब तक आपको सिक्योरिटी में ग्रुप्स बनाना और उनके राइट्स कंट्रोल करना सिखाया गया। अब मैं आपको सिक्योरिटी में सॉफ्टवेयर यूज़र बनाना सिखाता हूँ। इसके लिए हम सिक्योरिटी में यूज़र सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये यूज़र डेफिनेशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यूज़र बनाते वक्त हम सबसे पहले इस सेलेक्ट आ ग्रुप के एरिया में वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जिस ग्रुप का हम यूज़र बना रहे होंगे। हम इस एरिया में जो भी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे बनने वाले यूज़र को उसी ग्रुप्स के राइट्स असाइन होंगे। उसके बाद हम इस नेम के एरिया में यूज़र का नाम एंटर करेंगे और ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और कमेंट्स अगर एंटर करना चाहें तो मुतलका एरियाज़ में एंटर करेंगे। उसके बाद हम इस लॉगिन आईडी के एरिया में यूज़र की लॉगिन आईडी एंटर करेंगे और पासवर्ड के एरिया में यूज़र का पासवर्ड एंटर करेंगे और इसी पासवर्ड को इस एरिया में कंफर्म करेंगे। इसके बाद अगर हम ये सॉफ्टवेयर मल्टी कंपनीज के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इस सेलेक्ट यूज़र कंपनी के एरिया में वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिस कंपनी के लिए हम ये यूज़र बना रहे हैं और इस
सेव के बटन की मदद से सेव कर देंगे तो यह यूज़र सेव हो जाएगा। इसी तरह हम मुख्तलिफ ग्रुप्स और मुख्तलिफ कंपनीज़ के यूज़र्स बना सकते हैं। किसी बने हुए यूज़र को चेंज और अपडेट भी कर सकते हैं और किसी भी यूज़र को ब्लॉक भी कर सकते हैं। हम बने हुए यूज़र को कैसे चेंज और अपडेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यूज़र अपडेट करने के लिए हम सबसे पहले वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जिस ग्रुप के यूज़र को हमने अपडेट करना होगा। जब हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो इस ग्रुप के मुतल्लिका यूज़र्स नीचे ग्रिड में अपीयर हो जाएंगे। हमने जिस यूज़र में भी चेंजिंग करनी होगी उस पर क्लिक करेंगे तो वो यूज़र ऊपर लोड हो जाएगा और हमने जो भी चेंजिंग करनी होगी हम वो चेंजिंग करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि ये यूज़र मज़ीद लॉगिन ना हो तो हम इस ब्लॉक के चेकबॉक्स को चेक कर देंगे और इस अपडेट के बटन की मदद से अपडेट कर देंगे तो की हुई चेंजिंग्स सेव हो जाएंगी। अब मैं आपको सिक्योरिटी में किसी लॉगिन हुए हुए यूज़र का पासवर्ड चेंज करना बताता हूँ। इसके लिए हम सिक्योरिटी में चेंज पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये पासवर्ड चेंज की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पर इस यूज़र नेम और ओल्ड पासवर्ड के एरिया में उस यूज़र का नाम आ रहा होगा जो इस वक्त लॉगिन हुआ होगा और ये दोनों एरियाज डिसेबल होंगे। हम इस न्यू पासवर्ड के एरिया में यूज़र का नया पासवर्ड एंटर करेंगे और उसी पासवर्ड को इस कन्फर्म न्यू पासवर्ड के एरिया में लिखेंगे और इस सेव के बटन की मदद से सेव कर देंगे तो इस यूज़र का नया पासवर्ड सेव हो जाएगा और अब ये यूज़र नए पासवर्ड की मदद से लॉगिन होगा। अब हम सिक्योरिटीज़ की मदद से देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के किस यूज़र ने सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज़ की। इस काम के लिए हम सिक्योरिटी में लॉग व्यूअर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये लॉग व्यूअर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पर सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर यूज़र्स की लिस्ट आ रही होगी। हमने जिस यूज़र की एक्टिविटीज़ को चेक करना होगा हम उस यूज़र को सेलेक्ट करेंगे। यूज़र सेलेक्ट करने के बाद अगर तो हम इस यूज़र की हुई तमाम एक्टिविटीज़ को देखना चाहते हैं तो हम इस जनरेट रिपोर्ट के बटन को प्रेस कर देंगे तो इस यूज़र ने जो भी एक्टिविटीज़ की होंगी वो इस ग्रिड में शो हो जाएंगी। और अगर हमने इस यूज़र की कोई ख़ास एक्टिविटीज़ किसी मखसूस डेट में चेक करनी होगी तो हम इस फॉर्म एक्शन के ड्रॉपडाउन में वो एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमने इस यूज़र की कोई मखसूस एक्टिविटी किसी मखसूस डेट रेंज में चेक करनी होगी, मसलन हम ये देखना चाहते हैं कि इस यूज़र ने पिछले मंथ में क्या क्या एक्टिविटीज़ सेव की, तो हम इस फॉर्म एक्शन के ड्रॉपडाउन में सेव सेलेक्ट करेंगे और डेट रेंज के चेक बॉक्स को चेक करके वो मखसूस डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे जिस डेट रेंज के दौरान हमने इस यूज़र की एक्टिविटी चेक करनी होगी और इस जनरेट रिपोर्ट के बटन को प्रेस कर देंगे तो इस डेट रेंज में सेव होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ इस ग्रिड में अपीयर हो जाएंगी। इस तरह हम किसी भी यूज़र की एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सिस्टम सिक्योरिटी के मुतालिक आगाह किया गया। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप दूसरी वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी त्वज्जो का शुक्रिया।